हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट पावटा पर। तो बड़ी डिमांड के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर। और केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बात समझना बच्चों, बेहद आसान चैप्टर है। फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए और समझते चलिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर ये जानना चाहेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं। बात समझना, केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें, या ऐसे कह दो, मैं दोबारा बोल देता हूं बच्चों, केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फॉर्मूला। कहने का मतलब, केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होता है। जैसे मैं सीधी सी बात करूं, ए प्लस बी मिलकर के बना रहे हैं, मान लीजिए ए बी। अब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया मैंने, आगे चल के पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन तब देखेंगे। ए प्लस बी मान लो मिलकर के बनाते हैं ए बी, तो ए और बी क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। अच्छा, ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। और ये पूरा जो सीन आप लोगों को दिख रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन को ही नाम दे दिया केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और केमिकल रिएक्शन में मैंने कहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके फॉर्मूला, जो उनके सिंबलिक फॉर्मूले होते हैं, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहां जो प्रोडक्ट बना है उसका सिंबलिक फॉर्मूला ए बी रहा होगा, यहां पर जो रिएक्टेंट है उन दोनों के सिंबलिक फॉर्मूलाज ए एंड बी है। क्लियर? इस तरह से इस बात को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? अब आप देखें ध्यान से, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख करके देता हूं बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, समझ में आ गया होगा, इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड in terms of their respectively या respective symbolic formula। बात समझना, यानी कुल मिलाकर के केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उनके सिंबलिक फॉर्मूला के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, यहां पर मेन मुद्दा जो आता है, बहुत बच्चों को यह खुजली रहती है कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो हमारा जो जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, वो यही आएगा, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, देखो अलग अलग मास्टर अपने अपने तरीके से बताते हैं। मैं आपको रामबाण टॉनिक बताने वाला हूं और आप इस रामबाण टॉनिक को दिमाग में बिठाइएगा, आपको पूरा क्लियर होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में जानकारी दी, सबसे पहले बच्चों केमिकल इक्वेशन देखते ही हम मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल बोले तो जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया,
सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ईटीसी। ठीक है, इस तरह से जो भी कोई मेटल हमें केमिकल इक्वेशन में नजर आता है तो सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में बच्चों हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे बच्चों? नॉन मेटल को, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया या क्लोरीन हो गया, इस तरह की चीजें। अच्छा बच्चों, जैसे ही मैंने नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर मैं वापस से स्टेप नंबर वन पर जाऊंगा। यानी जैसे ही मैंने कोई नया नंबर यूज कर लिया केमिकल इक्वेशन में, वैसे ही मैं वापस से, जैसे नॉन मेटल को बैलेंस किया तो फिर मेटल को वापस से चेक करूंगा कि कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया है, यानी वो बैलेंस है या नहीं है। अच्छा सर, आप जो बोल रहे हो वो कब समझ में आने लगेगा? जब मैं एग्जाम्पल बताने लगूंगा। अच्छा, फिर जैसे ये स्टेप पूरी हमने फॉलो करी, थर्ड स्टेप, फिर आप किसको करें बच्चों? ऑक्सीजन को बैलेंस करें, और एट लास्ट, सबसे लास्ट में आप किसको बैलेंस करें बच्चों? हाइड्रोजन को बैलेंस करें। अच्छा ध्यान रखें, मैंने कहा मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को, नॉन मेटल को करने के बाद फिर से मेटल पे चले जाएं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, फिर फर्स्ट स्टेप पर चले जाएं, फिर सेकंड पे आ जाएं, फिर थर्ड को वापस आ जाएं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें, फिर वापस से चेक कर लें। सर आप तो टाइम खराब करवाओगे। बच्चों ऐसा नहीं है, टाइम खराब नहीं करवाएंगे, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती जाएंगी उतना ज्यादा ही मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं वही काम करेगा। यानी एक स्टेप, जस्ट बाद वाली स्टेप जैसे ही आप फॉलो करोगे तो उससे प्रीवियस स्टेप पर आपको जाना ही पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं बच्चों, आप समझना। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैं आपको यहां पर 7-8 रिएक्शन बताऊंगा बच्चों, उम्मीद है पूरा आपको क्लियर होने लगेगा। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कार्बन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जब बर्न करते हैं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अब ध्यान से समझो, ये एक केमिकल इक्वेशन है और हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। अब ध्यान से देखें तो मैंने सिखाया सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो। अब मैंने देखा इस केमिकल इक्वेशन में कोई भी मेटल नहीं है, ठीक है, तो फिर किसका नंबर आएगा बच्चों? नॉन मेटल का। नॉन मेटल बोले तो यहां पर है कार्बन, तो यहां कार्बन कितना है? एक, तो इधर भी कितना होना चाहिए? एक है, बैलेंस है। अच्छा अब नॉन मेटल को बैलेंस कर दिया, क्योंकि नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद मेटल वाले पे जाना होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेटल था ही नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब किसको बैलेंस करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। यहां कितने ऑक्सीजन है? दो, और यहां कितना है? एक, तो यहां कितना लगा दो? दो। ओ माय गॉड, अब मैंने कहा मेटल को करो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर ऑक्सीजन को करो। ऑक्सीजन को करते ही फर्स्ट स्टेप पे चले जाओ, चूंकि फर्स्ट स्टेप यहां है नहीं, तो किस पर आना पड़ेगा? नॉन मेटल पे। अब वापस से कार्बन को चेक करा, यहां कितने कार्बन? एक, और यहां कितने हो गए? दो। यहां क्या चिपकाना पड़ेगा? दो, हाँ या ना। अब देखो, दो कार्बन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, बैलेंस हुआ बच्चों। आया समझ में प्यारे बच्चों? अब देखिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 प्लस वोटर, यहां थोड़ी जगह सामने रख लेते हैं बच्चों, प्लस वोटर गिव्स, ये हमें देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH2 plus अमोनिया। कुल मिला के सर ये अमोनिया का फॉर्मेशन है, यानी ये अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया इस तरह से ही बनाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है? वोटर से करवाई जाती है, तो हमें अमोनिया मिल जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस मिल जाती है। ध्यान से समझना, सबसे पहले मेटल मैग्नीशियम कितने हैं? तीन। यहां कितने हैं? एक, कितना लगा दूं? तीन, शाबाश, हो गया बैलेंस। फिर नॉन मेटल नाइट्रोजन, यहां कितने हैं? दो। यहां है एक, यहां कितना लगा दो? दो, हुआ काम। अब मैंने कहा जैसे ही नया नंबर लग जाए पुराने पे चले जाओ, वापस मैग्नीशियम को चेक करो, तीन मैग्नीशियम, तीन मैग्नीशियम, कोई डाउट नहीं है। दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, और यहां बच्चों दो, तो ये रहा। अब ये दो इस तीन से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन।
यहां पर छह ऑक्सीजन है और यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां कितना लगाना पड़ेगा, छह। आ रहा है क्या समझ में? अब आ जाओ वापस से पुरानी स्टेप पे चले जाओ, तीन मैग्नीशियम, तीन मैग्नीशियम, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, छह ऑक्सीजन, छह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, छह दुनी बारह, बारह हाइड्रोजन यहां है और यहां कितना है बच्चों, तीन दुनी छह यानी थ्री टू जा सिक्स हाइड्रोजन, प्लस यहां भी कितने हैं सिक्स हाइड्रोजन, कुल मिलाकर यहां भी ट्वेल्व हाइड्रोजन है और इसमें भी कितने हैं ट्वेल्व हाइड्रोजन है। तो क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? ये पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। दोबारा चेक कर सकते हैं, तीन मैग्नीशियम, तीन मैग्नीशियम, एन टू, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाओ, छह ऑक्सीजन, तीन दुनी छह ऑक्सीजन, दिख रहे हैं क्या, छह दुनी बारह, बारह हाइड्रोजन और यहां पे भी दो इंटू तीन छह हाइड्रोजन, प्लस तीन इंटू दो छह हाइड्रोजन, तो टोटल बारह हाइड्रोजन। क्या पूरी केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस है क्या? अगर बच्चों आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई तो इक्वेशन नंबर हम कौन सी लिख रहे हैं, थ्री। देखिए इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, जैसे मैंने ले लिया CuO प्लस अमोनिया, ये हमें देता है बच्चों Cu प्लस N2 प्लस H2O, Cu प्लस N2 प्लस H2O, हमें इसको बैलेंस करना है। आइए बैलेंस करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेटल, यहां पे कॉपर एक है, एक है बैलेंस। अब किसको करोगे, नाइट्रोजन को, नॉन मेटल को, एक नाइट्रोजन, यहां दो नाइट्रोजन, यहां लगाना पड़ेगा दो, ठीक बच्चों। आगे देखो यहां दो नाइट्रोजन हो गए, अब दो नाइट्रोजन के बाद वापस से पिछली स्टेप पे जाओ, एक कॉपर, एक कॉपर, सही, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, सही। अब आ जाओ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यहां पे भी एक ऑक्सीजन, सही। फिर वापस से जाओ कॉपर एक, सही, नाइट्रोजन दो, सही, ऑक्सीजन एक, सही। अच्छा अब बचा हाइड्रोजन, तीन इंटू दो छह हाइड्रोजन, यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन है बच्चों, ओनली दो, यहां दो हाइड्रोजन है तो छह लाने हैं कैसे आएंगे, तीन इंटू दो, तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, थ्री, थ्री हो गए क्या, यहां भी सिक्स हाइड्रोजन। अब वापस से चेक करते हैं, एक कॉपर, एक कॉपर, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन दुनी छह, छह हाइड्रोजन प्लस तीन दुनी छह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन चेक नहीं करे बच्चों अपन ने, यहां एक ऑक्सीजन और यहां पर तीन ऑक्सीजन, तो वापस से लफड़ा हो गया, यहां एक ऑक्सीजन, यहां तीन ऑक्सीजन, तो यहां लगाना पड़ेगा तीन, सही। अब वापस से दिक्कत हो गई, वापस चेक करते हैं, तीन कॉपर, यहां लगाना पड़ेगा तीन कॉपर, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, सही, ऑक्सीजन में आ जाओ, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तीन दुनी छह, छह हाइड्रोजन, बैलेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें, फिर प्रीवियस स्टेप पर चले जाएं, क्लियर, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करें, फिर प्रीवियस स्टेप पर चले जाएं, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करें, फिर प्रीवियस स्टेप पर चले जाएं। इस तरह से पूरा केमिकल इक्वेशन आपका क्या होने वाला है बच्चों, बैलेंस होने वाला है। अब मेरी बात सुनो, अगला जो है वो है Al4C3 plus H2O is equal to या gives CH4 plus aluminium यानी AlOH का whole thrice। बैलेंस करना है बच्चों, सबसे पहले एल्यूमिनियम को देखो, चार एल्यूमिनियम, यहां पे कितना है, एक लगा डाला चार, तीन कार्बन, एक कार्बन, तीन लगा दो। अब वापस से पीछे जाओ, चार एल्यूमिनियम, चार एल्यूमिनियम, तीन कार्बन, तीन कार्बन, सही। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन एक है इधर, यहां पे देखो तीन इंटू चार, चार तिया बारह, बारह ऑक्सीजन है और यहां पर कितना है, एक है, तो यहां कितना लगाना पड़ेगा, बारह। अब सही, वापस पीछे आओ, चार एल्यूमिनियम, चार एल्यूमिनियम, ठीक, और फिर तीन कार्बन, ध्यान से देखना, तीन कार्बन, बारह ऑक्सीजन, चार इंटू तीन, बारह ऑक्सीजन, सही। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, बारह इंटू दो,
24 हाइड्रोजन और यहां कितने हैं, 3 × 4, 4 × 12 हाइड्रोजन, प्लस यहां देखो 4 × 12 हाइड्रोजन, यहां भी कितने हैं 24 हाइड्रोजन। क्या लगता है पूरी इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस है। अरे यार बार बार यही कह रहा हूं, सबसे पहले मेटल को करो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर पीछे चले जाओ, फिर कर लिया, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर पीछे चले जाओ, फिर हाइड्रोजन को करो, फिर पीछे चले जाओ, सबसे लास्ट में देखोगे तो पूरी केमिकल इक्वेशन आपको क्या नजर आएगी बच्चों, बैलेंस्ड नजर आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 प्लस HCl, इससे बना MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O, ध्यान से देखना, Mn मेटल मैग्नीज, एक मैग्नीज, ठीक है, एक Mn। अब किसको करोगे, क्लोरीन को, एक क्लोरीन, यहां पर दो क्लोरीन, तो यहां दो लगा दो बच्चों, सही, वापस याद हो, एक मैग्नीज, दो क्लोरीन, ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, बच्चों दो लगा दो, हो गए दो ऑक्सीजन, वापस आ दो, एक मैग्नीज, दो क्लोरीन, ऑक्सीजन यहां दो और यहां पे भी बच्चों दो। अब आ दो हाइड्रोजन पर, इसमें हाइड्रोजन यहां है दो हाइड्रोजन और यहां पे है चार हाइड्रोजन, यहां पे है बच्चों चार हाइड्रोजन, यहां कितने दिख रहे हैं आपको, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं और यहां पे है चार, तो फिर इसको दो को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां कितने हैं चार हाइड्रोजन है, तो यहां चार हाइड्रोजन लगाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। वापस से फर्स्ट स्टेप आ दो, Mn1 Cl4, यहां पर Cl2, तो यहां दो लगाना पड़ेगा, दो Cl2, नया नंबर लगा दिया। अब वापस से पीछे जाओ, Mn1, देखो जैसे ही नया नंबर यूज करूंगा तुरंत पीछे आऊंगा, यही सबसे बढ़िया तरीका है, Mn1 Mn2, ठीक है, Mn1 Mn2, तो यहां दो है यहां एक है, दो लगाना पड़ेगा। वापस आ जाओ, दो Mn Cl 4 Cl 4 Cl, सही ना यार, 4 Cl हो गया। अच्छा फिर ऑक्सीजन देखो, दो दुआ चार, चार ऑक्सीजन, यहां पे दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन से क्या काम चल जाएगा क्या बच्चों हमारा, अच्छा ये क्या रिएक्शन सही लग रही है क्या आप लोगों को, MnCl2 प्लस H2O प्लस बच्चों यहां पर। अच्छा एक बात और मैं यहां सोच रहा था कि एक प्रोडक्ट और बनता है जो होता है Cl2, अब ये बैलेंस होगा बच्चों, मिस्टेक में खराबी होगी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बच्चों इसको अपन, एक मैग्नीज, एक क्लोरीन, यहां पर दो और दो चार, चार क्लोरीन, तो यहां पे आएगा 4HCl, सही। अब वापस से एक मैग्नीज, चार क्लोरीन, फिर आ जाओ ऑक्सीजन पर, दो ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, तो यहां पे दो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, हो गया। अब वापस Mn1 Mn1, क्लोरीन चार हैं और यहां पे दो प्लस दो, चार क्लोरीन हैं, ऑक्सीजन दो है, यहां दो है हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है, यहां पे चार हाइड्रोजन है। केमिकल रिएक्शन आपकी पूरी तरह से क्या है बच्चों, बैलेंस है, क्या मेरी बात सही है क्या। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं बच्चों, जिसको आपको पोज करके ट्राई करना है, मैं आपको समय दूंगा, C2H6 प्लस O2, अच्छा प्रश्न है, इससे बना CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, फटाफट पोज करके ये वाला प्रश्न आप ट्राई करें बच्चों, क्लियर ट्राई बच्चों, देखो C2H6 प्लस H2 गिव्स CO2 प्लस H2O, अच्छा प्रश्न है, मैं इनको मिटा रहा हूं और ये समझते हैं, आइए इसको समझते हैं बच्चों, मैंने इसको दोबारा ऊपर लिख लिया, देखो क्या है बच्चों, ये 6 नंबर आपका C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ओके ध्यान से देखो, C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। सबसे पहले अपन ने मेटल को देखा, मेटल है नहीं तो कार्बन पे चले गए, दो कार्बन एक कार्बन, दो से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक।
फिर आगे ऑक्सीजन पे, दो ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पे चार ऑक्सीजन प्लस एक, यहाँ पे तो कितनी ऑक्सीजन है भैया, पांच ऑक्सीजन है। अब अगर यहाँ पे पांच ऑक्सीजन है और यहां दो है तो पांच कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं ऐसे, पांच ओ टू डिवाइडेड बाई टू कर दें। अब देखो ध्यान से, पांच इंटू दो बाई टू, दो से दो मर जाएगा, कितने बचेंगे? पांच ऑक्सीजन बच जाएंगे। बिल्कुल अलाउड है ऐसा लिखना, पांच बटे दो ओ टू इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन बच्चों इस तरह से जो रिएक्शन है वो जरा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए क्या करना होगा हम लोगों को इस पूरी रिएक्शन को, देखो पहले, अच्छा चलो हाइड्रोजन को और चेक कर लो फिर देखते हैं। हाइड्रोजन यहां पर छह है, हाइड्रोजन यहां पर छह है और यहां पर कितने हैं बच्चों? दो हैं, यहां पर दो हैं। या पहले एक काम करते हैं, रुको, दो कार्बन दो कार्बन, ऑक्सीजन यहां पर दो थे, यहां पर पांच थे, तो मैंने पांच बटा दो इस तरह से लिख लिया, अलाउड है। अब जितने से डिवाइड किए हो उतने से ही इंटू कर डालो पूरी रिएक्शन को, क्योंकि इस तरह से रिएक्शन अच्छी नहीं लगती है। तो जब पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2C2H6 प्लस, यहां दो से दो मर गया, 5O2 बन गया, ये हो गया 4CO2 प्लस 2H2O। इतना समझ में आ गया बच्चों? मैंने क्या करा है, पूरी रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई किया है। अब ध्यान से देखो वापस, चार कार्बन चार कार्बन, सही, ऑक्सीजन गिनो, पांच दूनी दस, दस ऑक्सीजन, चार दूनी आठ, आठ ऑक्सीजन प्लस दो ऑक्सीजन, दस ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन चेक करते हैं, भाई दो इंटू छह यानी बारह हाइड्रोजन, यहां पे देखना दो इंटू दो यानी चार हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पे चार हाइड्रोजन है, यहां पे बारह हाइड्रोजन है, तो चार है और यहां पर हम लोगों को करना क्या है? सर यहां पे बारह है तो यहां पे भी बारह बनाने पड़ेंगे, बारह कैसे होंगे? छह इंटू दो, बारह हाइड्रोजन हो गया। दोबारा चेक करो पूरा, चार कार्बन चार कार्बन, सही। फिर आ जाओ किस पे? ऑक्सीजन पे, दस ऑक्सीजन, यहां पे चार दूना आठ ऑक्सीजन प्लस छह ऑक्सीजन, ओ माय गॉड, चौदह ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। यहां पे चौदह ऑक्सीजन है, यहां पर है दस। अब ये कैसे हो सकता है? देखो मैं नीचे लिख रहा हूं स्टेप, 2C2H6 प्लस, पांच हटा दो सात लगा दो, सात ओ टू, 4CO2 प्लस 6H2। ध्यान से देखना, चार कार्बन चार कार्बन, ऑक्सीजन कितने? सात दुआ चौदह, 14 ऑक्सीजन, 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आ जाओ, 6 इंटू टू 12 हाइड्रोजन, 6 इंटू टू 12 हाइड्रोजन। क्या रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है? क्या रिएक्शन बच्चों पूरी तरह से बैलेंस है? यानी अगर इस तरह का कोई आ जाता है सीन जिसमें डिवाइड करना पड़े तो आप पहले डिवाइड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप पूरी रिएक्शन को जितने से डिवाइड किया था उतने से मल्टीप्लाई कर लें, फिर बैलेंस करना स्टार्ट करें, नो डाउट आराम से आप बैलेंस कर पाएंगे। अपन इसमें एक रिएक्शन और देखने वाले हैं बच्चों, आइए, एक रिएक्शन नंबर 7 है, FeS2 प्लस O2 इज इक्वल टू, यानी बनता है Fe2O3, इससे जो बनता है ये जो देता है वो देता है Fe2O3 प्लस, ये देता है SO2 प्लस का SO। बैलेंस करना है, आ जाइए, Fe एक मेटल है, एक Fe दो Fe, यहां दो लगाना पड़ेगा। सल्फर, दो दुनी चार सल्फर हैं, यहां पर एक ही सल्फर है तो यहां पे चार लगाना पड़ेगा। अब वापस से पीछे चले जाओ, दो Fe दो Fe, चार सल्फर चार सल्फर, ऑक्सीजन पे आ जाओ, दो ऑक्सीजन यहां पर है, चार दुनी आठ ऑक्सीजन, आठ इधर हैं और तीन इधर हैं, ग्यारह ऑक्सीजन है बच्चों इधर टोटल। अब ग्यारह यहां है, यहां पे दो है, तो यहां क्या करना पड़ेगा? ग्यारह बटे दो करना पड़ेगा, हो जाएंगे बैलेंस। अब मैंने कहा जब भी ऐसे बटे वाला या डिवाइड वाला सीन आ जाए तो पूरी रिएक्शन को डिवाइड वाले डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, ये हो जाएगा दो इंटू दो चार FeS2 प्लस, ये हो जाएगा ग्यारह O2, ये हो जाएगा दो Fe2O3,
ये हो जाएगा आपका 8SO2। अब चेक करते हैं, 4 Fe 4 Fe, सल्फर चेक करो, 8 सल्फर 8 सल्फर, ऑक्सीजन चेक करो, 11 ऑक्सीजन सॉरी 11 इंटू 2 22 ऑक्सीजन, यहां पर चेक करो, 8 दूनी 16 ऑक्सीजन प्लस 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 16 और 6 22 ऑक्सीजन। क्या लगता है बच्चों, क्या रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है क्या? अगर आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए करने के लिए दे रहा हूं बच्चों। आई होप आप सब बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे आंसर भी बताएंगे। S plus HNO3 gives H2SO4 H2SO4 plus NO2 plus H2, ये आपका HW रहा, ये आपका घर का काम है, आप इसको करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। आई होप बच्चों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह से करते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप किसी भी तरह की केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शंस को उठाइए और बैलेंस करिए इस मेथड से, नो डाउट पूरी तरह से वो बैलेंस हो जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।